नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, स्वागत करता हूं आप सभी का 15 मिनट में 15 सवाल में। जानते हैं आज का पहला सवाल आपके लिए कौन सा बना है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड एंड सीड फंड स्कीम के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई है। इस समिति का वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है एच के मित्तल को, सीड फंड्स के लिए बनाई गई कमेटी का। और ये सीड फंड क्या होते हैं? अगर आपको कोई स्टार्टअप चलाना है तो उस स्टार्टअप के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और अगर वो पैसा आपको सरकार दे या फिर कोई सही भी आपको पैसा मिले तो साथियों वो इस सीड फंड कहलाता है, यानी कि एक प्रकार का वो फंड जो आपको ग्रो करने में काम आए। तो सेंटर ने हाल ही में सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया है अगले 4 सालों के लिए, और इस 4 सालों के लिए बनाए हुए समिति का अध्यक्ष बनाया गया है एच के मित्तल को। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन ये कार्य किया गया है, ये एक कमेटी बनाई गई है। अगर बात किया जाए स्टार्टअप फंड के लिए कि ये सीड फंड स्कीम कब से शुरू होने वाली है, तो साथियों ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली है। स्टार्टअप इंडिया के लिए यहां पर 4 साल का समय दिया गया है, और यहां पर सरकार नए स्टार्टअप्स को फंड करेगी 945 करोड़ के कॉर्पस स्कीम से। ये अपने आप में भारत के अंदर स्टार्टअप्स को माहौल बनाने के लिए सबसे जरूरी चीजों में कंसीडर किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं मेरे साथ में अनअकैडमी पर जुड़ना, तो मेरे प्यारे साथी आप यहां पर अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं मेरे सभी सब्सक्रिप्शंस पर। यदि आप चाहते हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जेई स्टेनो की तैयारी करना, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर मेरे द्वारा एक फाउंडेशन बैच लिया जा रहा है, जिसमें ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने वाली है अगले वीक से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होने वाली, इंडियन ज्योग्राफी शुरू होने वाली है। आप अंकित 10 लगा के मेरी क्लासेस ले सकते हैं, पुरानी सारी क्लासेस और साथ में जितनी भी अन्य क्लासेस अन्य एडुकेटर्स की हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। इस वीकेंड पर आपके लिए एक कॉम्बैट एग्जाम रखा गया है 12:00 PM, आप उसको अंकित 10 रेफरल कोड लगा के यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 1 करोड़ के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए किए जाएंगे। विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल अकादमी का किस स्थान पर निर्माण किया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में ये कहा गया है कि जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर वर्ल्ड क्लास विंटर स्पोर्ट्स अकेडमी का स्थापना की जाएगी। ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कारण है साथियों, क्योंकि गुलमर्ग में ही भारत के जितने भी विंटर स्पोर्ट्स हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया के तहत भी आपने देखा होगा कि इस बार का जो सेशन था वो भी गुलमर्ग में ही, जो कि कश्मीर में है, वहां पर आयोजित किया गया था। तो विंटर गेम में भाई ऑब्वियस सी बात है बर्फ की आवश्यकता पड़ती है, और बर्फ जो है वो गुलमर्ग में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना गुलमर्ग के थ्रू हमारे जो खिलाड़ी हैं वो तैयार हों और विंटर गेम्स में अच्छे से अपना स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाए, इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है। क्लियर है? और सरकार का कहना है कि हम लोगों ने खेलो इंडिया के लिए 40 स्मॉल सेंटर्स की हाल ही में स्थापना की है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक डिजिटल पुस्तक का विमोचन किया, जिसका शीर्षक है डॉन अंडर द डोम। यह किस राज्य के राज्यपाल हैं? वैसे तो ये भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं, अतिरिक्त प्रभार इनके पास गोवा का भी है, और इन्होंने एक पुस्तक का हाल ही में ई अनावरण किया है, ई बुक का अनावरण किया है। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये पुस्तक किसकी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहां पर लोकसभा में 48 सीटें और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान चंदोली, गुगामल, नवागांव, पेंच, संजय गांधी और तड़ोपा हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, आवाम की बात किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने आवाम की बात एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो एक प्रकार से राजभवन से जनता से बात करेंगे, बिल्कुल मन की बात की तर्ज पर, यूं समझिए आप। और ये राजभवन के पास उपस्थित होगी, हाफ एन आवर का ये प्रोग्राम होने वाला है, हर थर्ड संडे को हुआ करेगा मंथ के अंदर। अप्रैल से इसे शुरू किया जाएगा, शुरुआत में एक सिक्वेंशियल तरीके से इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। ये आपने मतलब सुन लिया है ना, तो यू स्पीक वी लिसन अंडरलाइन थीम प्रोजेक्ट आवाम की बात के तहत यह कार्य किया गया है, आप इस चीज को याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ सवाल बनता है आप लोगों के सामने, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे अंतरिक्ष दूरबीन केंद्र को लॉन्च किया है? तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों, रशिया के द्वारा हाल ही में दूरबीन को लॉन्च किया गया है पानी के लिए, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये लेक बैकाल के अंदर लॉन्च किया गया है, एक जाइंट टेलीस्कोप है जो रशिया के द्वारा शुभारंभ किया गया है,
लेक बैकाल। लेक बैकाल कहां पर है? तो साइबेरिया में है। और साइबेरिया कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों यह स्थित है रशिया के अंदर, और ये जो है डीपेस्ट लेक कंसीडर की जा रही है, और इस डीपेस्ट लेक के अंदर एक ऑब्जर्वेटरी इनके द्वारा बनाई गई है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें दुनिया का 22 से लेकर के 23% पानी जो है वो ताजा पानी उपस्थित है। ये चीज आप लोग जान करके चलिएगा, ठीक है ना। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी कंसीडर किया गया था 1996 के अंदर, याद रखिएगा। यहां पर रशिया ने एक जॉइंट मतलब बहुत बड़ा जो है वो अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया है, आप इसको यहां पर लगा हुआ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 18 मार्च को? तो मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके अंदर इन्हें नियुक्त किया गया है। आप इस तथ्य को अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आपके सामने स्टॉप टीवी जो कार्यक्रम है ये क्षय रोग के उन्मूलन के लिए 2025 तक किया गया कार्य है। इनका कार्यकाल 2021 से शुरू होगा, 3 साल के लिए रहने वाला है। यूनियन मिनिस्टर है ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जिन्हें स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अंदर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, मतलब दुनिया से टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करना है, उसके लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो टीबी फ्री वर्ल्ड का टारगेट है, इसको बनाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, उस पार्टनरशिप के अंदर इन्हें हाल ही में ज्वाइन कराया गया है। दुनिया के अंदर और भारत ने क्या टारगेट रखा है कि हम टीबी को 2030 तक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने एक टीबी स्ट्रेटेजी प्लान भी बनाया था 2017 में, 2025 के लिए हमने टारगेट किया हुआ था। विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के लिए किसे नामित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में रिन्यू पावर को ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के लिए नियुक्त किया गया है, ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। रिन्यू पावर इज एन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी, इसके द्वारा 8 गीगावाट के 5 मेगावाट के ऑपरेशनल किए जाने वाले हैं, और ये लाइट हाउस नेटवर्क है, 69 फैक्ट्रीज में इसे लगाया जाएगा। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य ये होगा मेरे प्यारे साथियों कि दुनिया में एक लाइट हाउस नेटवर्क क्रिएट करना है। रिन्यू पावर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, सुमंत सिन्हा इसके फाउंडर हैं, 2011 में स्थापना हुई थी और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बताएं तो कोलोनी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, कार्ल स्वाब इसके फाउंडर हैं, और कार्ल स्वाब के अलावा मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों कि ये दुनिया के अंदर स्थिति इकोनॉमी की कैसे सुधारी जाए इसके लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत की पहली लिबोर वैकल्पिक दर की डील किस बैंक से करने वाला है? तो मेरे प्यारे साथियों SBI के बीच में हाल ही में ये डील होने जा रही है, रेट डील होने जा रही है। इसमें क्या होगा, इसमें लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के ऊपर डील किया जाएगा। इंडियन बैंक मतलब SBI जो है वो IOCL के साथ मिलकर के एक ओवरनाइट फाइनेंशियल रेट पर, मतलब ताकि भविष्य में विदेशों से अगर व्यापार करना पड़े तो इस इंटरेस्ट रेट पर किया जा सके, इस कार्य को ये करने जा रहे हैं। लंदन इंटरबैंक ऑफरिंग रेट क्या होती है, ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसके अंतर्गत कोई भी कार्य, अगर आपको मान लीजिए कि लंदन की बैंक में कोई काम पड़ गया और आपको इंडिया की बैंक से पैसा वहां पर पहुंचाना है, तो ये एक प्रकार का एक्सचेंज सिस्टम है जो बहुत फास्टली हो जाता है। दिनेश कुमार खरा जो हैं वो वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन हैं, आप ये याद कर लें, और IOCL के श्रीकांत माधव वैद्य चेयरमैन हैं, ये आप याद कर लें। IOCL का मुख्यालय नई दिल्ली में है, वहीं SBI का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। हाल ही में PM मौदूद अहमद का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व PM थे? मेरे प्यारे साथियों हाल ही में बांग्लादेश के पहले मतलब पूर्व PM मौदूद अहमद 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश भी रह चुके हैं 1 साल के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, अधिकृत पदों पर भी ये कार्य कर चुके हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी से ये बिलोंग करते थे, और यहां पर आपको ये तथ्य हमने बता दिया है। व्यक्तिगत जीवन बीमा बचत योजना बचत प्लस किसके द्वारा शुरू की गई है? नन अदर देन LIC। मेरे प्यारे साथियों हाल ही में बचत प्लस नामक एक योजना इन्होंने शुरू की है, जिसके अंतर्गत आप अपनी सेविंग्स को सेव कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोटेक्शन एंड सेविंग दोनों हो जाएगा, यानी कि आप अपनी सेविंग भी बचाइए और साथ में अपनी जीवन को भी बचाइए। इसके अंदर 1 लाख रुपए जो है ये मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड रुपीज रखना होगा, इससे ज्यादा आप पैसा नहीं रख सकते हैं। ये मैच्योरिटी पीरियड इसका 5 साल होगा, और मिनिमम पॉलिसी जो है वो कम से कम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल के लिए रह सकती है। बात की जाए अगर LIC की, तो मेरे प्यारे साथियों एस्टिमेट एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ है, MR कुमार चेयरमैन है और सिद्धार्थ मोहंती जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2021 में प्रिट्ज़र आर्किटेक्ट पुरस्कार से किसने जीता है? प्रिट्ज़र आर्किटेक्ट पुरस्कार हाल ही में
जीन फिलिक वॉसल और एनी लैक्टन के द्वारा जीता गया है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा, प्रित्जर पुरस्कार बहुत ही, मतलब एक प्रकार से समझिए आर्किटेक्ट का ये, मतलब नोबल पुरस्कार के रूप में आप इसे मान सकते हैं, आर्किटेक्ट का नोबल पुरस्कार आप इसे मान सकते हैं, आर्किटेक्ट क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना, सर्वोच्च सम्मान है, ये सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, ये हयात फाउंडेशन के क्या है, चेयरमैन है, और इन्होंने पेरिस बेस्ड डुओ अवार्ड ये जीता है। ठीक है, 1979 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, ये तथ्य आप लोग याद रख सकते हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के बोर्ड में एक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर कपिल देव को हाल ही में इंडक्ट किया गया है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अंदर, आप इसे याद रख सकते हैं। 15 मार्च 2021 को ये कप होने जा रहा है, इसके अंदर इन्हें नॉमिनेट किया गया है। बढ़ते हैं आगे, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अंदर उत्तम सिंह मुंडी सीईओ हैं, प्रेसिडेंट गौतम थापर हैं, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा धन पाने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, गौतम अडानी ने हाल ही में एलान मस्क और जेफ बेजोस को वेल्थ के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इनके बारे में जान लीजिएगा कि ये पहले कॉलेज ड्रॉपआउट रह चुके हैं, 18 साल की उम्र में ये मुंबई शिफ्ट हो गए थे, अब ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, 60,000 लोग इनके साथ काम करते हैं, 40 बिलियन की इनके पास वर्थ एसेट है। ये 2021 में सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले लोगों के अंदर कंसीडर किए जा रहे हैं, ये तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से जान लीजिएगा। गौतम अडानी ने 16.2 बिलियन का इस समय एक प्रकार से फंड अचीव किया है, इंडियन बिजनेसमैन टाइकून है, और इन्होंने वर्ल्ड बिगेस्ट वेल्थ सर्च जो है इनके साथ में हुआ है। फिलहाल ये 26वें नंबर के अमीर है, 2021 में सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने प्राप्त किया है। किस धावक ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को हराकर फेडरेशन कप में महिलाओं की 100 मीटर गोल्ड स्प्रिंट फाइनल को जीत लिया है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये हैं एस धनलक्ष्मी, जिन्होंने दूती चंद को 100 मीटर लेस में हरा दिया है, और इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों दूती चंद हार गई हैं, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। तमिलनाडु की 22 वर्षीय धनलक्ष्मी 11.39 सेकंड समय में इस चीज को जीत चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने मोहम्मद नवीद और शैमान अनवर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है मेरे प्यारे साथियों क्रिकेट से, हाल ही में आईसीसी ने उन्हें बैन कर दिया है, ये यूएई के प्लेयर हैं और इन्हें 8 साल के लिए मैच फिक्सिंग के लिए बैन कर दिया गया है, ये तथ्य आप लोग जान लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर मेरे पेड और फ्री बैचेस पढ़ना चाहते हैं तो आज सुबह देखना ना भूलें, आपके सामने आज डिस्कस किया जाएगा वेस्ट बंगाल, सुबह 10 बजे, शाम 5 बजे आप मेरे साथ पढ़ेंगे इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी से संबंधित आप लोगों को प्रश्न कराए जाएंगे। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस के लिए जो कि लाइव उपस्थित हैं, आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको सभी एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ में आपको प्लस के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन, तमाम जानकारियां आपको प्राप्त होती हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल से अपने आप को रजिस्टर करें, गोल के अंदर अपने आप का एसएससी गोल सेलेक्ट कर लें, एसएससी गोल सेलेक्ट करने पर 6500 रुपए की फीस आपको अंकित 10 लगाने पर 5850 रुपए की पड़ जाती है, इस क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं। याद रखें मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसकी वजह से आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। अंकित अवस्थी मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाता है। मिलते हैं सुबह 7 बजे अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।